हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 4.5.3 सम नंबर वन पार्ट वन। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करें। स्टेटमेंट में लिखा हुआ बच्चों, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहला जो पार्ट है सम टू पार्ट वन, 7 + 10 सही 1/2 + 14 + करके लास्ट में दे दिया 84। ये वाला योगफल ज्ञात करें, ठीक है, ये वाला योगफल ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें जो हमें दे रखा है ना, उसकी बात करें तो इसमें हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए टू की वैल्यू दे रखी है, ए थ्री मतलब तीसरा पद पद दे रखा है, और लास्ट की बात करें तो हमें एनवा पद दे रखा है, ठीक है। तो यस बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला की बात करें ना, एस एन की बात करें, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एस एन होता है n/2, एस एन होता है n/2 इंटू में a+l। क्या होता है बच्चों, एन n/2 इंटू में a+l होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इस एपी में लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है, ए का मान मिला 7, डी का मान हम निकाल लेंगे, a2 - a1, 10 × 20 में 1 जोड़ दिया, 21/2 - 7, ठीक है। लघुत्तम निकाला बच्चों 2, 21 का 21 - 7 × 7 × 14, 21 में से 14 गया, कितना आया बच्चों, 7/2 आया, ठीक है। और nवें पद की बात करें, an बराबर है nवें पद की बात करें तो कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 84। तो यहाँ से पहले हम n निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। या सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। तो an बराबर होता है, an बराबर होता है a+n - 1 × kd। यस बच्चों, हमें n n का फॉर्मूला पता है, यहाँ से हम n निकाल लेंगे। an कितना दे रखा है इसमें, 84 गिवन है, बराबर में ए का मान दे रखे बच्चों 7 + n का मान आपने निकालना है, और डी का मान दे रखे है बच्चों 7/2। कितना दे रखे है बच्चों, 7/2। यस, इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं हम तो 84 नुक्कड़ रहेगा, 7 को इधर ले आएंगे बच्चों, बराबर है, ब्रैकेट खोल लेंगे, 7/2 × n - 7/2, ठीक है। इसको और सिंपलीफाई करते हैं हम तो 84 में से 7 गया बच्चों, 77 बचती है, 77 बराबर है 7 n/2 - 7/2, ठीक है। इसका अब हम निकाल लेते हैं लघुत्तम। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, लघुत्तम, लघुत्तम निकाला 2 आएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 हासिल पाइए, 2 × 7 = 14 और 1 = 15, 154 बराबर है 7 n - 7 154 + 7 बराबर है 7 n के, और ये बच्चों हम जोड़ देंगे, 7 और 4 कितना होता है बच्चों, 7 और 4 होता है 11, 7 और 4 कितना होता है बच्चों, 11, 11 का 1, 5 में 1 जोड़ दिया, 6 161 बन जाएगा, 161 बराबर है 7 n के, और n बराबर है बच्चों 161/7, 161/7 बच्चों, 7 से काटा हमने, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 से काटा, 7 × 2 = 14, और बच गया 2 × 7 = 21, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपने निकाल ली बच्चों 23। कितनी निकाल ली बच्चों, एन की वैल्यू 23। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की टर्म कितनी है, कितने पद है बच्चों, ये 23 पद है। तो हमें 23 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, 23 पदों का योग। तो एस एन बराबर है एस एन, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो एस एन, एन एस की पेयर में कितना बच्चों, 23 है, 23 बराबर है 23/2 × में ए का मान 7 है, ए का मान 7 है, प्लस एल का मान कितना बच्चों, 84 है, एल का मान कितना बच्चों, 84 है। तो बराबर है 23/2 × में 84 में 7 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 91। अब 23 की 91 में क्या कर लेंगे, गुणा, क्या कर लेंगे बच्चों, गुणा, 91 × 23, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 27, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 18, 3 × 3 7 × 2 = 9, 8 × 2 = 10, 1 में जोड़ दिया 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू बेटा 2000, 2093। कितनी आई, 2093, मतलब 2093/2, तो वैल्यू बन गई बच्चों 2093/2। अब हम इसको इसको भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, भाग, 293 को हमने, 293 को 2 से भाग करा,
दो एकम दो, ऊपर सतारी जीरो, जीरो चौड़ाई, ऊपर सतारा नौ, दो चौके आठ, नौ में से आठ गया एक, ऊपर सतारा तीन, दो छिक बारह, बारह का बारह, ऊपर से 13 में से 12 गया एक। तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 1046, 1046 सही, 1046 सही, 1/2, 1046 सही, 1/2, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। बच्चों अब हम चलते हैं आपके अगले पार्ट पर। आपका अगला पार्ट रहेगा सेकंड, सेकंड सम पार्ट टू, सेकंड सम पार्ट टू। ठीक है बच्चों, यस बच्चों, आपकी जो सेकंड प्रॉब्लम है सम टू सेकंड पार्ट, 34 32 30 से लेके 10 तक आपकी, आपको एपी दे रखी है बच्चों, और बता रहे और बोल रखे है कि इसका जोड़ ज्ञात करें। क्या जोड़ क्या रहे बच्चों, इसका जोड़ निकाले, इनका योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों वही काम करना हमने, सबसे पहले हम एन को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए जो वैल्यू यहाँ से मिल रही है हमें, यहाँ से ए की वैल्यू मिल रही है बच्चों 34, ए की वैल्यू मिल रही है 34। अच्छा, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 32 में से 34 चला जाएगा तो मतलब माइनस के 2 आ जाएंगे। और ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ए एन का की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, कितनी है वैल्यू बच्चों 10। तो ए एन का फॉर्मूला हमने, हमें पता है ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी। ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ए एन का मान कितना है बच्चों, ए एन का मान है 10 है, बराबर है ए का मान कितना है बच्चों 34 है, प्लस एन का मान हमने निकालना है और डी का मान है बच्चों माइनस के 2। ठीक है, तो 10 से माइनस करके 34 से, माइनस के 34 बराबर है, ब्रैकेट खोली हमने, माइनस के 2 एन माइनस माइनस प्लस प्लस के 2। ठीक है, तो 34 में से 10 गया बच्चों, कितना आया माइनस का 24 है, 2 किधर ले आया मैं, माइनस के हो गई, बराबर है माइनस के 2 एन, कितना बच्चों माइनस के 2 एन। इस बच्चों 24 में 2 जोड़ दिया, 24 में 2 जोड़ दिया बच्चों, माइनस के 26 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों माइनस के 26 बराबर है माइनस के 2 एन के, कुछ कटता बच्चों काट देंगे, माइनस से माइनस कट रहा है, तो 2 एन बराबर है 26 के, 2 एन बच्चों बराबर है 26 के, तो एन बराबर है, एन बराबर है 26/2, एन बराबर है बच्चों 26/2, 2 से काट दिया 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 13। तो एन का मान कितना आया बच्चों 13। इस बच्चों अब हमें पता चल गया कि जो एपी हमें दे रखी है इसमें कितने पद है बच्चों, 1 2 3, इस तरीके से कितने पद है बच्चों 13 पद है। तो हमें 13 पदों का योग निकालना है, क्या निकालना है बच्चों 13 पदों का योग। तो एस एन बराबर है, क्योंकि हमें अंतिम पद दे रखे है बच्चों, तो फॉर्मूला हम ये लगा लेंगे, एस एन होता है एन बाई टू इंटू में ए प्लस का एल, एन बाई टू इंटू में ए प्लस का एल फॉर्मूला होता है बच्चों। तो एस एन बराबर, एस एन एन मतलब बच्चों 13, एस 13 बराबर है 13/2, 13/2 इंटू में ए प्लस एल, ए का मान 34 है प्लस में एल का मान 30 है, एल का मान 30 है। ठीक है, तो 13/2, 13/2 गुणा है, गुणा में 34 में 10 जोड़ दिया बच्चों, कितना आया 44 आया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पे आया 22, 2 पे कितना आया बच्चों 22। अब 22 की और 13 की हम गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों 22 की और 13 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 13 गुणा में 22 है, 13 गुणा में 22 है बच्चों, हम गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 बच्चों जोड़ दिया हमने, 6 का 6, 8 का 8, 2 का 2। तो ये बच्चों ये जो हमें पद दे रखी है इन 13 पदों का जो योग है बच्चों, हमने फॉर्मूला से निकाला है, कितना आया बच्चों 286, कितना जो योग आया बच्चों 286। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं बच्चों आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सम टू पार्ट थ्री। इस बच्चों आपकी एपी रहेगी सम टू पार्ट थ्री, सम टू पार्ट थ्री, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस करके -230। तो ये बस बच्चों हमें ये पद दे रखी है और बताना है कि इनका जोड़ कितना है, क्या करना बच्चों में जोड़ करना क्या कितना है बच्चों। इसमें हमें जो सबसे पहले वैल्यू निकालनी है वो आपकी वैल्यू रहेगी एन। सबसे पहले मैं अगर ये पता चल जाएगा बच्चों कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके उसके बाद हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले वैल्यू जो बच्चों जो वैल्यू हमें कुल दे रखी है उस वैल्यू को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ए का मान हमें दे रखा है -5, ठीक है, और डी का मान हम निकाल लेंगे बच्चों, डी का मान है -ka2, a2 -ka1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से 5 गया बच्चों, कितना आया -3,
और आपका जो एन वा पद है बच्चों वो है माइनस का 230। कितना है बच्चों माइनस का 230। अब बच्चों हम एन से बच्चों एन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों एन से एन एन निकाल लेंगे, तो एन बराबर होता है ए प्लस इस बच्चों ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस ए के इंटू में डी। ठीक है, तो ए एन बच्चों अपना है माइनस का 230। कितना है बच्चों ए एन माइनस का 230, ए का मान है बच्चों माइनस का 5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी का मान है बच्चों डी का मान आपने निकाला बच्चों माइनस का 3। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हमने अरेंज कैसे करना है बच्चों, बराबर है माइनस का 230, ये वैल्यू बच्चों इधर आकर माइनस प्लस की हो जाएगी, प्लस के 5 है बराबर में ये वाली ब्रैकेट खोल लिया हमने, माइनस के 3 है और माइनस माइनस प्लस है, प्लस का 3 एकम 3। यस बच्चों 230 में से 5 गया बच्चों, कितना आया माइनस का 225। कितना आया बच्चों माइनस का 225, 3 को इधर ले आया माइनस के हो जाएंगे बराबर है माइनस के 3 है। ठीक है, तो बच्चों ये जोड़ दिया हमने, 5 में 3 जोड़ दिया, 8 2 का 2, 2 का 2 माइनस का 228 बराबर है माइनस के 3 एन का, माइनस का 228 बराबर है माइनस के 3 एन का। ठीक है, तो एन बराबर है माइनस से माइनस भी कट जाएगा, वैसे एन की वैल्यू है 228/3, 228/3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 6 18, तो एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एन की वैल्यू आ जाएगी 76। कितनी आ जाएगी बच्चों एन की वैल्यू 76। अब हमने निकालना है बच्चों एस एन, क्या निकालना है बच्चों में एस एन, एस एन होता है एन बाई टू इंटू में ए प्लस एन। हम ये वाला फॉर्मूला बच्चों क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस एपी में अंतिम पद पता है, मतलब हमें लास्ट पद का पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसका जोड़ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों जोड़, तो एस एन, एन की वैल्यू बच्चों कितनी है इसमें 76, एस एन एस मतलब एन मतलब 76, एन बाई टू मतलब 76/2, एन बाई टू का मतलब बच्चों 76/2 इंटू में ए का मान बच्चों, ए का मान है माइनस का 5 प्लस, और एल की वैल्यू भी बच्चों माइनस किया, माइनस का 230, हमने दो निशान भिड़ रहे थे तो इसको एक को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, तो बच्चों दो से कट्टा हमने, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, तो 38 गुणा में बच्चों दोनों वैल्यू माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के 235, कितनी हो जाएंगी माइनस का 235। तो यस बच्चों हम 235 को, 235 को बच्चों 38 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे बच्चों 38 से। बच्चों सबसे पहले ही बात करें, ये निशान प्लस का है, ये वाला माइनस का, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों माइनस में आएगा, ये वाला गुणा होने के बाद में बच्चों आपका सम हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चों गुणा करने से पहले अगर हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो हम अपना टॉपिक पे आते हैं, गुणा करनी है बच्चों, सिंपल सी तरीका है, हमने सीख रखा है बच्चों चौथी पांचवी क्लास में कि गुणा कैसे करनी होती है। यस बच्चों 8 5 40, 40 की 0 हासिल पाई 4, 8 3 24, 24 4 28 हासिल पाई 2, 8 2 16, 16 2 कितने होते हैं बच्चों 18 होती है, 3 5 15, 5 हासिल पाई 1, 3 3 9 और 1 10 हासिल पाई 1, 3 2 6 और 1 7। इस बच्चों अभी सबको हम जोड़ देंगे, 0 का 0 बच्चों 8 और 5 13, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 7 में 1 जोड़ दिया 8, तो ये बच्चों इसका जो आंसर आएगा ना वो रहेगा माइनस के 8930। कितना रहेगा बच्चों आंसर 8930, यही आपका आंसर रहेगा, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस क्लास में सीखा है एक्सरसाइज 5.3 सम टू और पार्ट 1, 2 और 3। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पेपरों के दिन आए हुए हैं, पेपरों की तैयारी करते रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।